यहाँ से बात करें अगर बिनौला खल की, बिनौला खल का दिसंबर वादा देख रहे हैं 2493 पर कारोबार कर रहा है और 2525 का हाई लगा चुका है। लगभग आधे फीसदी की जो करेक्शन है बिनौला खल के दिसंबर वादे में शाम की कार्रवाई सत्र में बनती हुई नज़र आ रही है। दरअसल बिनौला खल की कीमतों को हमने NCDX पर 2400 से लेकर 2500 के दायरे में, एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखा है, जो कि पिछले कुछ समय से जारी है और अभी भी हम देख ही रहे हैं कि सीमित दायरा देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस हिसाब से कॉटन की कीमतों में तेज़ी आ रही है और आगे जाके बिनौला खल की जो डिमांड बढ़ेगी उसकी वजह से जो जानकार हैं वो लगातार यही बता रहे हैं कि बिनौला खल की जो कीमतें हैं उनके अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक बिनौला खल दिसंबर के अंत तक लगभग 2850 तक का लेवल दिखला सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा लेवल है। और अगर इससे ज़्यादा तेज़ी की बात की जाए तो मार्च 2022 या फिर अप्रैल 2022 तक बिनौला खल 3800 तक का भी लेवल दिखलाता हुआ नज़र आ सकता है। ये 3800 जो लक्ष्य है बिनौला खल का, जो लेवल है, काफ़ी बड़ा है। लेकिन केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक मार्च 2022 से अप्रैल 2022 के बीच बिनौला खल में ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो यानी कि बिनौला खल में एक काफ़ी अच्छी शानदार रैली, एक शानदार तेज़ी निकल के सामने आ सकती है, जो बिनौला खल की कीमतों को एक अच्छे लेवल्स पर लेके जाएगी। अब इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड भी थोड़ी देखने को मिलेगी। हाल फिलहाल में जो इसकी अराइवल्स हो रही हैं उनकी वजह से थोड़ा प्रेशर बनता हुआ भले ही नज़र आ जाए, जिसकी वजह से 100-200 पॉइंट की गिरावट देखने को ज़रूर मिल सकती है। लेकिन जो निचले स्तर होंगे वो ऊपरी स्तर पर मुनाफा कमाने के लिए एक अवसर होंगे, एक अपॉर्चुनिटी होंगे, तो बिनौला खल में निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है।